हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और गाइस, बहुत दिन हो गए थे कमेंट आप लोग का रिप्लाई किए। वैसे तो रिप्लाई मैं अधिकतर कोशिश करती हूँ, कर देती हूँ। मेरे अधिकतर टाइम आपके रिप्लाई करने में ही जाते हैं, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर आप लोग इतना समय निकाल के मुझे कमेंट करते हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं रिप्लाई कर सकूँ। और मैं बिजी रहती हूँ तो इस वजह से रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए माफ़ करिएगा और समझिएगा। और जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट देते हैं, आप मुझे समझते हैं, लाइक देते हैं, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप लोग का। तो मैं कुछ कमेंट आए हैं तो मैं उनके रिप्लाई करना चाहती हूँ। तो मैंने ऐसे ही कमेंट सारे दे मैंने चूज़ कर लिए हैं, कोई कोई स्पेशल वन नहीं है, लेकिन ठीक है, मैंने सबका नाम लेने की कोशिश की है इस कमेंट में और सबका रिप्लाई करने की कोशिश की है। आई होप कि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो और सब कुछ हो जाए, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। तो कृष्णा चौहान कहते हैं, दीदी अरे दादी जी को मेरा प्रणाम। तो दादी जी तो आप लोग को आशीर्वाद देती ही रहती हैं। तो दूसरा कमेंट है प्रियंका द्विवेदी, चावल के पापड़ तो अच्छे बनाया आंटी जी ने, गीली मिट्टी में बहुत अच्छी खुशबू आती है, ऑसम व्लॉग। तो थैंक यू सो मच प्रियंका, सच में गीली मिट्टी में बहुत अच्छा महक आता है, मुझे बहुत पसंद है। और चावल मम्मी पापड़ चावल के पापड़ मम्मी बनाती हैं। और किसी ने रेसिपी भी मांगी है तो रेसिपी मैंने अधिकतर उसमें बता ही दी है, सिंपल सा है। तो आप एक बार मैसेज कर देना अगर नहीं समझ में आया हो देख के, तो फिर मैं आपको फिर बता दूंगी। और प्रीति राय कहती हैं, खुश रहो कल्याणी। थैंक यू सो मच दी। आन्या लाइफ स्टाइल कहती हैं, आप बहुत अच्छी हैं, समझदार हो, आप अपने पति को कितना सच्चा प्यार करती हो, आपके चेहरे से छलकता है, काश ये सच होता कि हम भी आपके बच्चे को देख कर खुश हो पाते, गॉड ब्लेस यू। तो क्या कहूँ मैं, हाँ जहाँ तक है तो सच में मैं अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती हूँ और आप मुझे समझदार और अच्छी समझती हूँ, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और जो नहीं है अब क्या कर सकते हैं, वैसे अगर एक रहता बच्चा तो शायद मेरी ज़िंदगी आसान हो जाती जीने के लिए और कुछ बहाना भी मिल जाता। तो चलते हैं नेक्स्ट। आर के मोनू कुमार कहते हैं, यही है रियल लाइफ स्ट्रगल। तो हाँ यही है कह सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैं बहुत चीज़ें बर्दाश्त करती हूँ और बहुत चीज़ों को मैं शो नहीं करती, क्योंकि ठीक है मुझे नहीं लगता सही वो चीज़ें शो करना, तो मैं अपने हिसाब से हैंडल करके चीज़ें बोलती हूँ, तो ठीक है। लवली सिंह ने कमेंट किया है, लवली मेरे हस्बैंड का भी नाम था इसलिए मैंने ये कमेंट पे ज़्यादा फोकस कर दिया, लवली सिंह। अब वैसे भी इसका कमेंट बहुत अच्छा है काफ़ी, तो इस वजह से भी थोड़ा असर पड़ा। ट्रैक्टर जा रहा है, आप लोग को आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, थोड़ा इग्नोर करिएगा। तो लवली सिंह कहते हैं कि कहती हैं लड़की हैं शायद, दी आप बहुत अच्छी हो, हमेशा हैप्पी रहो, दुनिया क्या बोलती है इग्नोर करो, इतना हैप्पी इग्नोर करो उतना ही हैप्पी रहोगी। 2010 में मेरे पापा हम लोग को छोड़ के चले गए थे, तो हम लोग भी जी रहे हैं किसी तरह। डोंट वरी दी, मेरी मम्मी भी आपका सारा व्लॉग देखती हैं, आपको पसंद करती हैं। मेरी मम्मी आप मेरी बिग सिस्टर हो, अगर कोई कुछ बोलेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी, रिप्लाई जरूर करना डियर सिस्टर। तो लवली सिंह जी थैंक यू सो मच, और आप मुंह तोड़ दोगे। मुझे ये कमेंट सुन के पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा, और आप इतना मेरे लिए कर सकते हो उसके लिए धन्यवाद। वैसे इसकी नौबत नहीं आएगी, मैं इग्नोर कर देती हूँ, सीख रही हूँ मैं इग्नोर करना। जिंदगी के दूसरा कोई कमेंट है जी, और आंटी जी को थैंक यू कहना लवली मेरा व्लॉग देखने के लिए, और तुम्हें भी थैंक यू। जिंदगी के हर रंग दूसरा कमेंट है, जिंदगी के इनके चैनल का नाम है शायद जिंदगी के हर रंग। बहुत उन्होंने लिखा है कि समय बहुत बड़ा मलहम है, डियर हर घाव को भर देता है। हाँ ऐसा तो कहा है, लेकिन अब भरता है कि नहीं भरता है वो तो समय दिखाएगा क्या करता है क्या नहीं करता है, तो देखते हैं आप क्या कर सकते हैं। मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है और मैं क्या करूं, लेकिन थैंक यू सो मच। और आरवी फैमिली कहती हैं,
आप दोनों की जोड़ी बहुत मस्त थी यार। तो सच में जोड़ी तो बहुत अच्छी थी मेरी और लवली की। शायद इसी वजह से नजर ही लग गई कि जोड़ी कभी खुश नहीं रही या फिर बिछड़ गई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रही, तो नजर ही लग गई थी शायद हमारी जोड़ी में। और सोनी उपाध्याय कहती हैं, सच्चे प्राउड ऑफ यू। थैंक यू दी, सोनी दी थैंक यू सो मच, आप मुझ पर प्राउड करती हैं। और अंशु राय कहती हैं, दी प्लीज़ वीडियो में कभी मेरा नाम भी बोल दिया कीजिए जो वीडियो बनाएंगी। तो अंशु राय, मैं आपका नाम भी नाम ले ली हूँ, आपकी विश पूरी हो गई है। तो आई होप मैं सबका नाम ले सकूँ और कर सकूँ। डिम्पल ब्लॉग्स, ये आंटी हैं जो कि हमेशा कमेंट करती हैं, बहुत अच्छी हैं। और कमेंटिंग का कभी नहीं आता, तो कभी कभी नहीं आता तो मेरा ध्यान पड़ जाता है, अधिकतर तो ये कमेंट कर ही देती हैं। तो काफ़ी अच्छी हैं, माँ की तरह हैं, एकदम बेटा कह के समझाती हैं मुझे। तो थैंक यू सो मच आंटी। तो उन्होंने लिखा है, काजल मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट है, लुकिंग ब्यूटीफुल, कल्याणी मेकअप आर्टिस्ट हो तुम तो। थैंक यू सो मच आंटी, इतना बड़ा उपाधि देने के लिए, मेकअप आर्टिस्ट। वैसे मेरी विश तो है बनने की, लेकिन हम देखते हैं क्या होता है, जो मंजूर होगा। मैंने तो सारा सब कुछ किस्मत पे ही छोड़ दिया, जब मैंने सोचा वो नहीं हुआ तो मैं देखती हूँ कि क्या होता है आगे। तो सिका सिंह, सल्यूट सल्यूट टू यू डियर, सबकी बातों का मुंह तोड़ जवाब दिया आपने। अच्छा, मैंने जो प्रेगनेंसी वाला बनाया था उन पे इन्होंने बोला है, तो क्या करूं यार, इतना कमेंट आता है ना तो देना पड़ता है, जवाब तो देना पड़ता है। पूजा ब्लॉग्स, कहाँ से हो आप? जी मैं जौनपुर से हूँ, जफराबाद, ठीक है, यूपी। आप कहाँ से हो? और रफ्तार जिंदगी की, ये भी मुझे जरूर कमेंट करती हैं। हालांकि कुछ स्टार्टिंग में एक दो कमेंट ऐसे की थी तो मेरा ध्यान ये कमेंट अधिकतर करती इसलिए ध्यान चला गया। स्टार्टिंग में कुछ कमेंट ऐसे की थी, लेकिन अब वो मुझे बहन मानती हैं काफ़ी, मतलब मैंने उनको काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया तो बहन मानती हैं, और काफ़ी अच्छी वाली बहन हो भी गई हैं। वो हमेशा कमेंट करती हैं, तो थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए, और हर वीडियो में मेरे कमेंट कर दिया करो रफ्तार जिंदगी की, ठीक है। ये लिखती हैं, सो ब्यूटीफुल लव यू बहना, आई लव यू टू रफ्तार जिंदगी की, एंड थैंक यू सो मच। तुमको तो तुमसे मैं मिलूंगी कभी ना कभी। और श्वेता सिंह, माता रानी आपकी आपको हमेशा खुश रखे, आप किसी के बात पे ध्यान मत दिया करो। थैंक यू सो मच श्वेता। आंटी दीदी जो लगेंगी अब पता नहीं, मैं खोल के पूरा देख नहीं पाती कि आप एक्चुअली में हो क्या। अगर किसी को मैं आंटी बोल रही हूँ, दीदी बोल रही हूँ, या डी, इसलिए मैं डियर बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है कि फोटो में ना छोटा सा दिखता है तो मुझे समझ में नहीं आता। तो अगर कुछ बाई मिस्टेक कभी निकल जाए तो आप लोग बुरा मत मानिएगा प्लीज़। तो थैंक यू सो मच श्वेता सिंह। और श्वेता एक है, दूसरी श्वेता स्पेशल 2 मिलियन लोग, ये भी मेरे हमेशा कमेंट करती हैं और काफ़ी अच्छे कमेंट करती हैं, सपोर्ट करती हैं मुझे। लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं डियर, आप ऐसे लोगों की बात माइंड मत किया करो। उन्होंने प्रेगनेंसी वाले पे कमेंट किया था। तो यार दी, आप क्या कहा जा सकता है, सोच तो, एक तो लोगों की सोच महान होती ही है, बहुत कम लोग होते हैं जो सपोर्टिव होते हैं, और बोलने में भी पैसा नहीं जाता, और अधिकतर इंसान पॉजिटिव की तरफ कम बढ़ते हैं, निगेटिव की तरफ ज़्यादा ज़्यादा बढ़ते हैं, तो कहा नहीं जा सकता। और जबान तो है, कहने में क्या जाता है तो कह देते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने रिप्लाई कर दिया है। वैसे पूनम वर्ड्स हैं, ये काफ़ी दिन से मेरा नंबर मांग रही है, मैं एक नंबर ले नहीं पाई हूँ तो मैं इनको बता नहीं पाई, और शायद ये मुझे मुझसे नाराज़ भी हैं तो अपने कमेंट ज़्यादा नहीं करती हैं। तो यार प्रॉब्लम थोड़ा सा समझा करिए दी, और ऐसा नहीं है कि इतना आप रिक्वेस्ट करेंगी तो मैं नंबर नहीं दूंगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम है अभी मेरे पास, मेरी यही मोबाइल है, कैसे भी करके मैं एडजस्ट कर रही हूँ, तो होगा तो मैं ज़रूर नंबर दे दूंगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, उन्होंने लिखा है पूनम वत्स ने, कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या लिखूँ यार, दर्द बहुत गहरा है, बहुत ही ज़्यादा, पर फिर भी मुस्कुराती हो, सो स्ट्रांग यू आर।
तो थैंक यू सो मच, आप हमेशा मुझे सपोर्ट करती हैं, तहे दिल से धन्यवाद। और क्या कर सकते हैं, देखो दुख दिखाऊंगी तो सब कहेंगे सेम्पथी लेती है, खुश रहूंगी तो कमेंट आएगा कि 1 साल भी नहीं हुए तुम इतने ऐसे हंस रही हो, क्योंकि ये सब कमेंट मुझे मिल चुके हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है। जो मेरी खुशी से खुश होते हैं वो तो अच्छा कमेंट करते हैं, लेकिन जो मेरी खुशी से उनको बुरा लग जाता है, अरे 1 साल हो गया तो हंस रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो थोड़ा सोच समझ के मुझे करना पड़ता है दी। रीता सिंह जी कहती हैं, डियर आप सभी का रिप्लाई नहीं करते, पूछने दिया करो पूछने वालों को, बी पॉजिटिव डियर। तो क्या कर सकते हैं, मुझे ना बहुत सिर दर्द हो जाता है जब कोई ज्यादा बातें रटता है, मुझे नहीं पसंद ज्यादा रटना कोई किसी का, तो ठीक है मैंने रिप्लाई कर दिया और मैं पॉजिटिव रहती हूँ, मैं निगेटिव नहीं रहती। और बस कोई कुछ बोलता है ना तो मैं बस इतना सोच लेती हूँ कि इस इंसान की सोच ही ऐसी है, तो छोड़ो फालतू तो इग्नोर करो, मैं इग्नोर करना बेटर समझती हूँ। तो द्रौपदी कहती हैं, आप बहुत मजबूत हो, वेरी गुड, थैंक यू सो मच द्रौपदी। और कुछ लोगों का नाम है, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, 10 मिनट से ज्यादा, तो मैं नाम ले लेती हूँ, ठीक है। वीनू यादव, जिया पांडे, आन्या लाइफ स्टाइल, युवराज सिंह, सुरभि कुमारी, द सिंह ब्लॉगर, फनी क्यूट एनिमल्स, आरवी फैमिली, नैना 1234, कृष्णा अवतार मिश्रा, और हैप्पी फैमिली व्लॉग चैनल, और अंशु राय, अरुप प्रियंका, और श्वेता गुप्ता, मानसी ठाकुर, अंशु अंशु राय, तानवी कुमारी, और दीप्ति श्रीवास्तव, शिखा सिंह, लक्ष्मी गुप्ता, प्रगति एजुकेशन, अनामिका एंजल, मिताली क्रेंच, लाइफ विथ डीप, और क्रेंच लाइफ विथ डीप, और श्रेयांश त्रिपाठी, संजना सिंह, रीना देवी व्लॉग, रीना देवी वी लॉग व्लॉग, हाँ रीना देवी ब्लॉग, माई फूड कॉर्नर। तो गाइज द सिंह ब्लॉगर, तो गाइज अगर जिसका भी नाम छूट गया हो, वैसे तो मैंने कोशिश की है सबका नाम लेने के लिए, जिसका भी नाम छूट गया हो उसके लिए सॉरी, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ले लूँगी। और आप ना, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं आपके आंसर करने से पहले बता दूंगी, तो आप लोग कमेंट कर देना वो, तो मैं उसके आंसर कर दूंगी और आपके नाम भी ले लूंगी, आंसर नहीं की तो नाम तो ले लूंगी आपके। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग सपोर्ट करते हो, आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो और लाइक करते हो, तो उसके लिए धन्यवाद। और बस इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ, लंबा हो जाएगा वीडियो, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लंबा वीडियो मुझे नहीं करना पसंद, तो इसी के साथ मैं ब्लॉग का करती हूँ एंड। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, तो सब्सक्राइब करें, और गाइस आप लोग वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, और शेयर करने की कोशिश किया करो, अपनी फैमिली और रिश्तेदारों से शेयर कर दिया करो, ताकि बोल दिया करो सब्सक्राइब कर ले, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मेरे सब्सक्राइब, मैं चाहती हूँ सब्सक्राइब बढ़ जाए मेरे, और तो जब 50K हो जाएंगे तो मैं अपने वो अनहाइट कर दूंगी सब्सक्राइबर, तो अभी तो मैंने हाइट करके रखा है, मैंने ये सोच लिया है कि 50 हो जाएंगे 50K तब मैं सब्सक्राइबर शो करूंगी। तो गाइस प्लीज शो करवाने के लिए सपोर्ट करिए, थैंक यू सो मच, लव यू लॉट्स, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।